दोस्तों आज हम जानने वाले हैं भीगे हुए मूंग दाल खाने का सही तरीका, सही समय, किस पात्र में उसको गलाना है, किस समय गलाना है, कितनी देर तक गलाना है। तो ये सारी की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। भीगे हुए मूंग दाल जो कि सभी को पता है आयुर्वेद में इसे पथ्य बोला गया है। पथ्य मतलब इसको मोटे पतले मीडियम शरीर वाले, वात प्रकृति, कफ प्रकृति या पित्त प्रकृति वाले सारे के सारे लोग खा सकते हैं। और कई ऐसे रोगी होते हैं जो कि अनाज तक डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में भी हम मूंग दाल के सूप मतलब मूंग दाल को इतना पकाते हैं कि वह मूंग दाल लिक्विड में बदल जाती है। तो यही लिक्विड हम उन रोगियों को देते हैं और यही मूंग दाल उन रोगियों को बीमारी के समय भरण पोषण करती है। लेकिन वो सब छोड़ो, वो रही बात की बात। अब हम जानते हैं इसको लेने का सही तरीका। अब आपको करना क्या है कि इसको रात में एक मुट्ठी, अब इसमें मैंने एक मुट्ठी बताया है तो इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही मुट्ठी लेना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी पचा सके उतनी मात्रा में आपको मूंग दाल लेना है। मान लीजिए कि आप एक मुट्ठी मूंग दाल पचा सकते हैं, तो आपको एक मुट्ठी मूंग दाल लेना है, उसको किसी अच्छे पात्र में, मिट्टी का हो तो सबसे अच्छा, अगर ना मिल पाए तो लोहे के पात्र में आपको उसको गला देना है। कितनी मात्रा में गलाना है? मान लीजिए कि आपने 40 ग्राम मूंग दाल यानी कि एक मुट्ठी या 40 ग्राम, एक ही बात हो गई, आपने 40 ग्राम मूंग दाल ली है तो उसमें 8 गुना ज्यादा पानी मिलाना है जो कि 320 ml बैठेगा, यानी कि 325 ml आपको उसमें पानी मिलाना है। या ऐसा समझ लीजिए कि आपको उसमें 1.5 गिलास पानी मिलाना है, लोहे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में। लोहे के पात्र में लेने से एक फायदा ये होगा कि इससे आयरन की कमी दूर हो जाएगी, यानी कि जिन व्यक्तियों को खून की कमी रहती है, शरीर में आयरन की कमी रहती है, तो उन व्यक्तियों के लिए मेरी तरफ से यही सलाह रहेगी कि आप लोहे के पात्र में मूंग दाल को गलाएं। और हाँ, एक और विशेष बात कि मूंग दाल गलाने से पहले आपको मूंग दाल को अच्छे से धो लेना है। अब इसको गलाने के बाद आपको सो जाना है, रात में ये पूरी तरीके से गल जाएगी। सुबह जब आप इसको खाने लगे तो उसके आधे घंटे पहले आपको इसे धीरे मध्य आंच पर उबालना है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि उबालने से तो इसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि हाँ खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी डाइजेशन 100% हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग कच्ची कच्ची चीजें ज्यादा खाते हैं तो उनके पेट में गैस बनने लगती है। जानवरों को एक तरफ छोड़ दे वो बात अलग हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसानी डाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर आपको कच्ची मूंग दाल खाने से या कच्ची भी कोई भी अनाज जो कि आपने गलाए हैं उसको खाने से कोई भी गैस नहीं बनती, कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो बेशक खाइए, आपकी इच्छा, आपको जितना खाना है उतना खाइए। अब अगर आपको न्यूट्रिशन की ज्यादा ही चिंता है, मतलब नहीं आपको न्यूट्रिशन चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप यही मूंग दाल को मिट्टी के घड़े में उबालिए। मिट्टी के घड़े में कोई भी सब्जी उबालने या बनाने का फायदा ये है कि अगर मिट्टी के पात्र में कोई भी दाल गलाई गई हो, कोई भी सब्जी बनाई गई हो, तो उसके न्यूट्रिशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होते। अब खत्म तो नहीं होते, ये तो रही बात की बात, लेकिन मिट्टी के पात्र में जो भी चीज बनाई गई हो तो उसके न्यूट्रिशन पूरे 1.5 दिन तक खत्म नहीं होते, मतलब 36 घंटे तक खत्म नहीं होते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसको बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, यह थोड़ी देर लगाता है पकने में। वहीं अगर लोहे के पात्र में अगर आपको 15 मिनट लग रहे हैं तो मिट्टी के पात्र में आपको 25 से 30 मिनट तक लग सकते हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इसके न्यूट्रिशन बिल्कुल भी खत्म नहीं होते। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, जो है कि जब आप मूंग दाल पकाते 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 आपको इतना पकाना है कि वही मूंग दाल एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए। अब इसकी पहचान आपको ऐसा करना है कि उसी मूंग दाल में से एक दाना मूंग दाल का उठाना है, जमीन पर रखना है और उसको आपकी उंगली से मसलना है। वो पूरी मसल गई तो समझो ये सॉफ्ट हो गई, खाने लायक हो गई। और अगर नहीं मसल रही तो आपको इसको और उबालना है, और उबालते उबालते जब तक यह पूरी एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको उबालते रहने देना है। और अंत में जब यह मूंग दाल उबलकर खाने के लायक हो जाए तो आपको इसको बड़े आराम आराम से चबा चबा के खाना है। इस मूंग दाल को लेने के फायदे ये हैं कि इससे आपकी भूख बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छी होगी, कब्ज की समस्या भी दूर होगी। वैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मूंग दाल पतले लोग, मोटे लोग या सामान्य शरीर वाले लोग खा सकते हैं, लेकिन यही मूंग दाल का सबसे अच्छा फायदा मोटे लोगों के लिए होता है। वैसे तो यह पतले और मोटे लोगों दोनों के लिए है, लेकिन यह सबसे अच्छी मोटे लोगों के लिए है। तो दोस्तों ये था मूंग दाल बनाने का सही तरीका। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।